नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं हमारे 30 जून के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं। आज के सेशन के अंदर हम कल तक की जितनी भी घटनाएं महत्वपूर्ण घटी है, वो सब एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। जो भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है, वो सभी पार्ट हम यहाँ पर कवर अप करते चलेंगे। और आज का सेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे संबंध में जो सवाल है हमारी परीक्षा में, वो कई बार हमें पूछने को देखने को मिलेंगे। कई सारे ऐसी नई टर्म्स जो हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सवाल बनेंगे ही बनेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि कोई पार्ट आपका मिस ना हो जाए और चीज़ें आपकी क्या रहे, बिल्कुल क्लियर रहे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे राधे, रिमझिम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शेफाली, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार क्विकली सेशन कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप फटाफट से क्विकली, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ूँ तो एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 3 जुलाई को ठीक 12 बजे हमारा UBPSC के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप सभी को मौका मिलेगा 90% तक की स्कॉलरशिप पाने का हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर। UBPSC के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और ओवरऑल हम इतनी सारा कंपटीशन में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो 3 जुलाई को 2 घंटे का ये जो टेस्ट है, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप अभी रजिस्टर करें अपने आप को, ऐप पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं, या अगर यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो क्लास के अंदर ही आपको यहाँ पर चैट सेक्शन में एक लिंक नज़र आएगा, वहाँ पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि ओवरऑल आप चीज़ों को क्या कर पाएँ, अच्छे से कवर अप कर पाएँ और कोई भी चीज़ आपकी ऐसी ना रहे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और वो मिस हो जाए। अपने साथियों को भी बता दीजिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर हमारे लिए पार्ट जो है रहने वाला है। इससे ना सिर्फ आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा, आपका रिविज़न भी होगा और पता चलेगा कि हम कहाँ एडजस्ट करते हैं और कितने मेहनत की रिक्वायरमेंट है हमको। तो ये सब आप चीज़ याद रखिएगा और शेयर अपने साथियों के साथ जरूर करिएगा। बात करें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़। फ्रांस सस्पेंड्स पाकिस्तान्स $107 मिलियन लोन रीपेमेंट। फ्रांस ने पाकिस्तान के $107 मिलियन ऋण ऋण को जो है हमारा निलंबित कर दिया है। फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, विंडफॉल टैक्स। क्या होता है ये विंडफॉल टैक्स और किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ये भी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे ईरान में ज्वाइन ब्रिक्स, ब्रिक्स में शामिल हो सकता है ईरान, ये एक बड़ी खबर आ रही है, देखेंगे क्या स्थिति है और क्या इसका बैकग्राउंड है। फिर हम बात करेंगे एक नया सॉल्ट सेक्टर क्राइसिस, नमक के क्षेत्र में एक संकट आने वाला है। क्या संकट है, क्या नमक की कमी होने वाली है ना, क्या खाने में नमक कम है ना, ये भी हम जानेंगे इस पर्टिकुलर हमारे सेशन के अंदर ही। फिर हम बात करेंगे छोटे से एक हमारे पॉइंट की, जो कि है इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के लिए भारतीय राज्य सहायता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, इसे हम समझेंगे। हम बात करेंगे एक साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट, इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, क्यों न्यूज़ में है, इसकी क्या विशेषता है, ये सब भी समझेंगे। और अंत में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स देखेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल बेसिस पर क्या रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आज काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से क्विकली हमको शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो जाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि, अश्विन, अश्विनी, इरफान, अरीसा, पूजा, अश्विनी कुमार, फैक्ट मोटिवेशन फैक्ट, वंदना, अनामिका, रिचा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ऐप पर क्लास नहीं हो रही है ना, कोई आई थिंक सो कोई टेक्निकल एरर हो गया, उसकी वजह से क्लास ऐप पर नहीं हो रही है ना, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और वैसे रेगुलर क्लास ऐप और यूट्यूब दोनों पर होगी, सिर्फ आज हमारा मे बी पॉसिबल ये क्लास नहीं हो पाई। चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं इस न्यूज़ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ पर नाम सुनते ही आधों को तो आप में से ये लगा होगा कि भाई क्या हो गया, नींद खुल गई होगी आंखों में से, कि फ्रांस ने लोन पाकिस्तान का जो है वो किस तरह से हमारा जो है बंद कर दिया, मैंने माफ़ कैसे कर दिया, सस्पेंड कर रहा है, वर्ड क्या यूज़ किया गया है, सस्पेंड। शांत हो जाओ, आराम से रिलैक्स,
यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान का जो 107 मिलियन डॉलर का ऋण हुआ करता था उसके पुनर्भुगतान को स्थगित कर दिया गया है। फ्रांस के संबंध जो है पाकिस्तान से अच्छे नहीं हुए हैं, कि भाई पाकिस्तान से संबंध जो है हो गए हैं, इंडिया का काउंटर तैयार कर रहा है फ्रांस, है ना। यहाँ पर अभी तो आलोचना की जा रही थी थोड़े दिन पहले, अब यह जाकर के फ्रांस पाकिस्तान के साथ किस तरह से लोन माफ कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोन माफी नहीं की गई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, आप देख पाएंगे अगर हम दुनिया के बड़े बड़े खबरों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया टीवी ने भी कहा है कि पाकिस्तान साइन डील विद फ्रांस टू सस्पेंड लोन वर्थ 170 मिलियंस, और भी ज़्यादा की प्लानिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द स्टेटमेंट कहता है फ्रांस साइन डेब्ट सस्पेंशन पैक्ट विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान के ही एक बार डॉन की खबर है कि पाकिस्तान साइंस पैक्ट विद द फ्रांस फॉर 107 मिलियन डॉलर डेब्ट सस्पेंशन। इस तरह से ट्रिब्यूनल की भी हमको यही न्यूज़ देखने को मिलती है, एक बार के लिए हम हाइड हो जाते हैं ताकि आप उसको आराम से नोट डाउन करना चाहें तो पॉइंट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है क्या चीज़। हाँ कि देखो, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 2021 की बात है कि इसमें आपको जितना भी लोन पाकिस्तान को चुकाना था जो लगभग 107 मिलियन डॉलर के आसपास का था, उसको हमने कहा कि तुम अभी बच चुकाओ, तुम जो है नेक्स्ट 6 साल के अंदर अंदर चुका देना, है ना। क्या कर देना, नेक्स्ट 6 साल के अंदर अंदर इसको तुम चुका देना, है ना। तुम्हारा लोन अभी चुकाने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ में एक ईयर एक्स्ट्रा दे दिया ग्रेस पीरियड की, अगर मतलब कुछ हो जाए, ऐसा लगे कि भाई अभी नहीं हो पा रहा है तो 1 साल और रह लेना, और तुम सेमी एनुअल यानी कि हर 6 6 महीने के अंदर तुम ये इंस्टॉलमेंट्स चुकाते रहना, लोन की राशि को चुकाते रहना। लेकिन दिमाग में एक सवाल होगा आपके, तो चलो सर माफ़ नहीं किया, ये तो समझ में आ गया, सस्पेंड कर दिया यानी कि जो पैसा अभी चुकाना था उसको कह दिया 6 साल बाद चुकाना, किसने, फ्रांस ने, किसको, पाकिस्तान को। लेकिन एक चीज़ समझनी है, फ्रांस ने पाकिस्तान का लोन जो है हमारा सस्पेंड ही किया तो क्यों किया, क्योंकि ये तो वही पाकिस्तान है जिसने खुलेआम ये कहा था कि मैं फ्रांस के जो राजदूत है उसको निलंबित करता हूँ यहाँ से, जब चार्ली अब्दो का केस हुआ था अभी थोड़ा टाइम पहले जो है, प्रॉफेट मोहम्मद से संबंधित जो विवाद हुआ था, उन सब के अंदर हमारा जो है ये सारी घटनाएं जो हमने देखी थी, तो पाकिस्तान ने तो फ्रांस का खुलेआम विरोध किया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि फ्रांस में ने जो है पाकिस्तान का लोन माफ कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, क्या है चीज आइए बताते हैं। हमारा समय सीमा जो बढ़ाई गई है हमारी, वो समय सीमा क्यों बढ़ाई ये जान लेते हैं। ऐसा क्या हो गया कि माफ तो नहीं किया चलो, है ना, लेकिन समय सीमा भी क्यों बढ़ाई। इसका रीजन है डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। क्या है, ध्यान से सुनिएगा, DSSI। ये है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, इस न्यूज से जो निकल के आती है। अगर हम न्यूज की तरफ चले तो यहां पर हमारा जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, आर्थिक मामलों का प्रभार है, उसने कहा है कि ये जो G20 देशों का डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव DSSI जो है उसी के तहत हमारा 107 मिलियन डॉलर का लोन क्या किया जा रहा है, माफ किया जा रहा है ना, जो कि हमारा 6 साल पे 6 साल जो सस्पेंड किया जा रहा है, लंबित किया जा रहा है, जो कि हमारे 6 साल के लिए किया जाएगा। अब दिमाग में सवाल है सर ये DSSI यानी कि डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव क्या है। देखो डेब्ट मतलब लोन, कर्जा, है ना, सर्विस मतलब उसका चुकाना, ठीक है। सस्पेंड कर दिया यानी कि अभी थोड़ा टाइम पीरियड के रोक दिया। कोविड टाइम जब आया तो दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि या तो अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल लोगों के ऊपर कर लिया जाए, या तो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल लोगों के ऊपर कर लिया जाए, या फिर अपने उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है लोन चुकाने में कर लिया जाए। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पीरियड के अंदर हमारे यहाँ भारतीय बैंकों ने भी क्या किया था, तीन चार तरह के हमारे जो किस्तें हुआ करती थी 3 4 महीने की, वो माफ़ करती थी कि भैया अभी मत चुकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यूँ तो 1 महीने की भी माफ़ ना करे, लेकिन अब कोविड टाइम पीरियड था तो वो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं था हमारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे भारतीय बैंकों ने भी, अच्छा वीडियो क्वालिटी ओके, जी, थोड़ा एक बार मुझे लग रहा है, हाँ
हाँ ऐप पर क्लास नहीं हो रही है, क्लास जो है अभी आज आज के लिए यहाँ पर ही होगी हमारी। और रही बात हमारा वो 8 AM सेशन की जिसके अंदर हम MCQ करते थे, उसके लिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया है वो क्यों नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो पाई तो हम उसको कल करेंगे, अदरवाइज है ना। वैसे तो उम्मीद है कि वो हमारा इस लेक्चर के ख़त्म होते होते वापस से शेड्यूल हो जाएगी। और अगर वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप क्या करिए उसको सेटिंग्स में जाकर के चेंज कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे भारतीय बैंकों ने भी ये चीज़ की थी, वैसे ही दुनिया की G20 जो देश आप देख जो आप पढ़े हैं आपने अभी थोड़े दिन पहले ही, उन्होंने भी क्या किया था मई 2020 ना, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। मई 2020 के अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलकर के हमारा G20 देशों ने क्या किया था, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। और कहा था कि दुनिया अपना जो लोन है वो वर्तमान में अभी ना चुकाए, पहले अपने देश का ध्यान रख ले, रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर, भूख हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, उस पर देख ले, बाद में तुम धीरे धीरे चुकाते रहना। और उस टाइम पीरियड के अंदर अभी तक बात करें अगर हम लोग दिसंबर 2021 तक, तो 73 कंट्री ऐसी है जो कि हमारा क्या है, 73 कंट्री ऐसी है जो कि हमारा यहाँ पर एलिजिबल है, उसमें से 48 कंट्रीज को का जो लोन है वो सस्पेंड कर दिया गया है वर्तमान में। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है और सिर्फ फ्रांस ही नहीं है, इस महीने की स्टार्टिंग में एक न्यूज़ थी कि जापान ने भी हमारा जो है पाकिस्तान का जो लोन है वो सस्पेंड कर दिया है। इससे भी पहले UAE का भी एक लोन जो है सस्पेंड किया गया था, है ना, यानी कि और भी कई सारी कंट्रीज हैं। तो ये जो न्यूज़ है यहाँ पर हमारा, ये DSSI क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखने का G20 देशों ने इसको स्टार्ट किया था, है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF ने इनसे जो है ये बात कही थी, तब जाकर के मई 2020 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। कहा यह गया था कि जो मिलियंस ऑफ पर्सन है हमारे जो कि अलग अलग देशों में रह रहे हैं, लो इनकम देशों के अंदर रह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक पर ध्यान दें और पेंडेमिक से निकलने की कोशिश करें ताकि वहाँ पर एक्सट्रीम पुअर्टी ना हो जाए। हमारा लोन है कहाँ जा रहा है, बाद में चुका देना, एक तरह से जो कंडीशन हमारे यहाँ भारत के अंदर हुई थी बैंकों ने किया था, वही चीज़ जो है हमारा डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के थ्रू यहाँ पर ये किया गया था। उम्मीद है कि अब समझ में आया होगा कि पाकिस्तान का लोन जो है सस्पेंड क्यों कर दिया गया, तो DSSI के द्वारा ये सस्पेंड कर दिया गया और यही हमारा जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके संबंध में। बाकी तो वन लाइनर फैक्ट हो सकता है जैसे कि G20 देशों में से कौन सा देश है जिसने हाल ही के अंदर पाकिस्तान का 107 मिलियन डॉलर का लोन माफ कर दिया, तो वो तो आप लिख ही सकते हो फ्रांस, वो तो वन लाइनर फैक्ट है। लेकिन उससे जो न्यूज़ निकल के आती है वो ये सिस्टम निकल के आता है ना। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी अच्छे से। ओवरऑल बात करें कि सर कितना लोन माफ हुआ है ओवरऑल सभी देशों का, तो अब तक अगर हम बात करें तो मई 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के अंदर आप अमाउंट देख सकते हो 3,688 मिलियन डॉलर, 3,688 मिलियन डॉलर का लोन ओवरऑल इसी DSSI सिस्टम के थ्रू माफ कर दिया गया है ताकि लोग जो है अपना घर जो है पहले संभाल ले, लोन बाद में चुका ले। ये वो सब कंट्रीज है जैसे आप देख पा रहे हो अंगोला, मोजाम्बिक, कांगो, चौथे नंबर पर पाकिस्तान, है ना, ये जो छोटे छोटे देश है जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है ना, उन सभी को यहाँ पर क्या किया गया, शामिल किया गया कि भैया आपका जो लोन है हम थोड़ा रिलीफ देते हैं किसके थ्रू, DSSI के थ्रू, यानी कि और हमारा कंट्रीज भी है जिसकी सहायता अभी यहाँ पर हमने देखने को मिली है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी, न्यूज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल सही है, आप सेटिंग्स पर देखेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा, तब आप क्वालिटी से जा करके क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं इसको ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। चले आगे, उम्मीद है ये चीज़ आपको स्पष्ट होगी कि न्यूज़ क्या है ये समझ में आ गया होगा, और फ्रांस ने लोन क्यों हमारा सस्पेंड किया ये भी आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अगली न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, विंडफॉल टैक्स। क्या है ये विंडफॉल टैक्स, आइए जानते हैं। एक हमारी जो है एक संस्था है, नाम है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम की जो अभी हेड है ना, उन्होंने एक बयान दिया, क्या बयान दिया, कहा कि विंडफॉल टैक्स ऑन द कोविड प्रॉफिट फूड इज कैटास्ट्रोफिक फूड क्राइसिस, ऐसी बात कही। अगर हम बात करें दुनिया के बाकी देशों की तो उन्होंने विंडफॉल टैक्स को भी समझाया और अखबारों में कहा गया, और कहा गया कि लगभग लगभग हमारा जो है 490 बिलियन डॉलर के आसपास का जो प्रॉफिट है हमको टैक्स के रूप में यहाँ से मिल सकता है,
विंडफॉल टैक्स अगर लगा दिया जाए तो। अब ये है क्या सर जी, विंडफॉल टैक्स हम किसे कहेंगे? तो देखो कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, वो चीज क्या थी सर जी, कि जहां पर दुनिया के अंदर कई सारे देश सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग्स पर जो है डिपेंडेंट थे, वहां पर कई सारे लोग और भी थे जो कि अमीर पे अमीर हुए जा रहे थे। क्या हो रहे थे? अमीर पे अमीर हुए जा रहे थे, खास करके ऑयल सेक्टर या फिर फार्मा सेक्टर, मतलब जहां लोगों की जॉब्स जा रही थी, फार्मा सेक्टर में चांदी चांदी थी, सोना था, चांदी तो क्या ही कहे, सोना ही सोना था, मजे आ रहे थे लोगों को। एक आपने नाम भी सुने होंगे, आपको याद आ रहा होगा मॉडर्ना, है ना, हमारा ये सीरम इंस्टीट्यूट, कभी इससे पहले नाम ही नहीं सुना होगा जिंदगी में कि भाई सीरम इंस्टीट्यूट नाम की कोई चीज भी है क्या हमारे देश के अंदर, है ना। लेकिन इन्होंने सबने खूब सारा कमाया, खूब सारा कमाया, है ना, चाहे वो फिर हमारा वो इंजेक्शन के बेसिस पर हो, चाहे वो हमारा सिलेंडर के बेसिस पर हो, है ना। जो सिलेंडर शुरुआत में हमारा नॉर्मली 100 200 400 500 में आया करता था, वो लोगों ने 10 15 20 हज़ार में भी खरीदा था, पैसा खूब कमाया सब। वही ऑयल इंडस्ट्री के हालात थे। तो ऑक्सफैम की ये जो हमारी गैब्रिएला बुचर है, आप इमेज जो देख पा रहे हैं, इन्होंने कहा कि लोगों ने पैसा खूब कमाया इस टाइम पीरियड के अंदर, तो अब क्या किया जाए, इनसे वापस से पैसा निकाला जाए टैक्स के रूप में। इसी को कहते हैं विंडफॉल टैक्स। कहा कि अप्रत्याशित हमारी जो है, मतलब सोचा नहीं था, अनइमेजिनेबल हमारी क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था इन सभी देशों को, अलग अलग हमारा सेक्टर्स के अंदर, तो उन सेक्टर्स से क्या निकाला जाए, पैसा निकाला जाए। तो जब हमारा इस तरह का अनइमेजिनेबल, सोच नहीं सके उतना प्रॉफिट हो जाए, उसको कहते हैं विंडफॉल गेन। तो क्या कहते हैं, विंडफॉल गेन। तो जब वो विंडफॉल गेन हुआ है, इतना सारा पैसा कमाया है, तो फिर भैया हमको वापस हर हाल के अंदर पैसा भी तो चाहिए। इनका ये कहना है कि अगर ये टैक्स लिया जाए तो दुनिया के अंदर जो भुखमरी के हालात हैं, लोगों तक फूड नहीं जो पहुंच पा रहा है, उस समस्या का हम सामना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 400 बिलियन डॉलर के आस 490 बिलियन डॉलर के आसपास का हम पैसा कलेक्ट कर लेंगे सिर्फ उससे, जो कोविड टाइम पीरियड के अंदर, कोविड टाइम पीरियड के अंदर हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट गेन किया गया। सर इतना कितना प्रॉफिट गेन कर दिया एक बार बताओ तो जरा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल है हमारा ONGC का, है ना, एग्जाम्पल किसका है, ONGC का एग्जाम्पल लेते हैं। फरवरी की बात करें इसी ईयर की, तो ONGC ने ये कहा कि इस 9th मंथ के अंदर, फरवरी से पहले के 9 मंथ्स के अंदर 2021-22 के अंदर उसको जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है, कुल जो उसका जो लाभ रहा है, वो हमारा 31,446 करोड़ रहा है। कितना, 31,446 करोड़, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 9 महीने में। हाँ सर ये क्या बड़ी बात है, ONGC तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो हो ही सकता है, इसमें कैसा विंडफॉल गेन हो गया। तो जरा यहां ध्यान दो अगले स्टेप पर, ये पिछले साल के कंपैरिजन में 600% ज्यादा था, लगभग लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर रहा था 2020-21 का, उसके कंपैरिजन में 2021-22 के अंदर लगभग लगभग 600%, 600% ज्यादा कमाया किसने, ONGC ने, और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कहा कि ये जो है इतना अनइमेजिनेबल जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है, तो इसके बदले में आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा, और ये पैसा आप दोगे तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, भुखमरी के ऊपर करेंगे, लोगों का जो फूड नहीं पहुंच पा रहा है उसके ऊपर हम करेंगे। ये एक एग्जाम्पल था ऑयल सेक्टर का, ऐसे ही फार्मा सेक्टर भी है, कईयों ने खूब सारा पैसा हमारा यहाँ पर कमाया। अब देख पा रहे हैं कि 2020 मार्च के अंदर से अगर बात करें और नवंबर 2021 की बात करें, तो दुनिया के जो 10 richest person थे, 10 सबसे अमीर जो लोग थे, खबर आपने ये भी पढ़ी थी कि उनकी इनकम डबल हो गई, डबल सिर्फ एक साल में, जबकि बाकी के जो हमारे 99% जो और लोग हैं उनके हालात तो बहुत खराब रहे कोविड के टाइम पीरियड के अंदर। हर देश ने यहाँ पर पेंडेमिक के टाइम पीरियड में खूब सारा कमाया,
उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। तो सर कहा कि ये जो विंडफॉल टैक्स है इससे हमारा जो है कारण क्या क्या हो सकते हैं और किन किन पर विंडफॉल टैक्स लग सकता है, क्या सिर्फ कोरोना ही इसका एक कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी कई सारी सिचुएशंस बनती है जब विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। कैसी? अगर किसी ने कोई लॉटरी जीती हो, भाई लॉटरी जीती, अचानक से आप पढ़ते रहते हैं किसी ने 300 मिलियन डॉलर की लॉटरी जीती है ना, 4 करोड़ की लॉटरी जीती, 400 करोड़ की लॉटरी जीती, इस तरह के सब शब्द चलते रहते हैं। तो अचानक से जो हमारी ये वृद्धि हुई, गेन हुआ, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, सरकार टैक्स लेती है ना, जो कि क्वांटिटी में ज्यादा होता है, लगभग लगभग 30 से 40% के आसपास का। जैसे आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, ये मनाया करता था, उसमें जो 5 करोड़ जीता करता था तो 5 करोड़ रुपया पूरा नहीं मिलना करता था, उसमें से सरकार 30% टैक्स ले लेती थी, है ना। तो वो हमारा एक तरह का लॉटरी विनिंग ही हो गया हमारा। इसके अलावा सप्लाई डिमांड में अगर प्रॉब्लम आ जाए, कैसे, कल को मैं ये घोषणा कर दूं कि भैया एक प्रोडक्ट जो है हमारा कल से नहीं बिकेगा, एक प्रोडक्ट हमारा कल से नहीं बिकेगा, तो फिर क्या करेंगे लोग? फटाफट फटाफट जाएंगे दुकानों में और सप्लाई इकट्ठा करेंगे कि भाई मैं जब सामान तो चाहिए चाहिए, कल से बिकना बंद हो जाएगा, या मैं प्राइजेस चेंज कर दूं, कल से मैं कह दूं 100 रुपये की चीज़ जो है 200 रुपये मिलेगी, तब भी होगा, या मैनेजमेंट ऐसा डिसीजन ले ले कोई कि ऐसा किसी ने सोचा ही ना हो वैसा डिसीजन ले लिया जाए कि भैया कल से जो है हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है आधी चलेगी और मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है वो हमारे थोड़े महंगे रहेंगे, हम माल ही कम भेजेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन से क्या हो सकता है, अचानक से कंपनियों को फायदा हो सकता है ना। जैसे कि COVID-19 के टाइम पीरियड के अंदर आपने देखा मैनेजमेंट का डिसीजन क्या था, भैया हम वैक्सीन बनाएंगे, भारत सरकार को बेचेंगे, लेकिन भारत सरकार को फ्री में नहीं बेचेंगे। पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी ने फ्री में वैक्सीन नहीं दी, चाहे वो कोई भी हो, सरकारों ने फ्री में दी अपने नागरिकों को, हमारे देश में भी दी गई, लेकिन कंपनियों ने नहीं दी कि हम तो नहीं देंगे भैया, पैसा कमाएंगे। यही हमारे कारण रहता है कि लोगों को विंडफॉल प्रॉफिट होता है, विंडफॉल गेन होता है। और सर ये जो विंडफॉल गेन हुआ इसके ऊपर जब टैक्स लगाओगे तो क्या फायदा होगा? अगर टैक्स लगा दिया जाए तो क्या फायदा होगा? तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो बढ़ेगा, है ना। ऑक्सफैम की ये जो महिला थी ना, गैब्रिएला बुचर, इनका कहना था 90% तक का विंडफॉल टैक्स लगा दो। कितना लगा दो? 90% तक का, तो खूब कमाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। राजस्व बढ़ेगा हमारे, किसका, गवर्नमेंट का, पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जब वो पैसा आएगा तो उसको गवर्नमेंट जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगाएगी। उसके थ्रू होगा क्या कि जो लोगों को सर्विस दी जा रही है उसकी स्थिति सुधर जाएगी, है ना, उसकी स्थिति सुधर जाएगी। और जो हमारे कंज्यूमर्स है जो किसी तरह का कोई लोन वगैरह वगैरह लेते हैं, तो जब पैसा आएगा सरकार के पास तो वो भी थोड़ा रिलीफ देगी ना सरकार, सरकार भी। और बाद में आप चाहो तो गोल्ड डिपॉजिट्स में उसको जो है इन्वेस्ट कर देना, गोल्ड वगैरह जो होता है उसमें इन्वेस्ट कर देना, पैसा ही पैसा आने वाला है। तो ये जो सब पर्टिकुलर पार्ट थे ये हमारे विंडफॉल टैक्स के क्या रहने वाले हैं, बेनिफिट रहने वाले हैं, ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा जो है गैब्रिएला बुचर कहती है, भाई ये चीज़ें हमारी जो है संभव है, इसके द्वारा ये चीज़ें हमारी की जा सकती है, तो हमको कर देना चाहिए। और इसके थ्रू लगभग लगभग 490 बिलियन डॉलर के आसपास का पैसा मिलने की संभावना है अगर सरकारें इसको ढंग से लागू करती है तो। और ये इतना सारा पैसा कमाया है ये सरकारों की जेब भरने के लिए नहीं कमाया है, ये इनकी बात की जा रही है कि इन पैसे का इस्तेमाल हम विंडफॉल टैक्स का इस्तेमाल फूड क्राइसिस से निपटने के लिए करेंगे, इससे करेंगे, फूड क्राइसिस से निपटने के लिए करेंगे। ये छोटी सी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है ना। तो इस तरह का जो विंडफॉल गेन होता है हमारा, उस गेन के ऊपर जो टैक्स लगाया गया उसी को हम क्या कहेंगे, विंडफॉल टैक्स कहेंगे। चले आगे, नेक्स्ट की चर्चा करें, ये मैंने पूरा लिख दिया है, आप आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा और आपकी काम काम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान में ज्वाइन ब्रिक्स,
ब्रिक्स में शामिल हो सकता है ईरान। हाल ही के अंदर ईरान ने आवेदन किया है ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। जब ब्रिक्स का हमारा समिट हुआ था अभी थोड़ा टाइम पहले ही, तब व्लादिमीर पुतिन ने, यानी कि रशिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये एक बात कही थी, ऐसे हिंट दिया था कि ब्रिक्स का जो है एक्सपांशन किया जा सकता है। और ब्रिक्स समिट के बाद में चाइना ने भी ये बात कही थी कि हम विचार कर रहे हैं कि ब्रिक्स का क्या किया जाए, एक्सपांशन किया जाए। और अब खबर आई है कि ईरान ने इसके अंदर आवेदन कर दिया है कि मेरे को भैया, मैं भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी हूँ, मैं भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हूँ, मुझे भी क्या कर लो, अपने में शामिल कर लो। ये आवेदन जो है ईरान ने किया है, और सिर्फ ईरान ने नहीं किया है, ईरान के साथ साथ अर्जेंटीना ने भी ये आवेदन किया है ना। ईरान ने नहीं किया है, ईरान के साथ साथ अर्जेंटीना ने भी ये आवेदन किया है। तो मतलब अब दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर पांच ये दो और सात, G7 वर्सेज ब्रिक्स। बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो साथ ये G7 वर्सेज ब्रिक्स। एक तरह से देख पा रहे हो कि धीरे धीरे ब्रिक्स जो है एंटी अमेरिका, कि अमेरिका को काउंटर करने वाला हमारा क्या बना जा रहा है, एक हमारा संस्थान बनता जा रहा है। हाँ, जो जो अमेरिका के खिलाफ है वो हमारे साथ आ जाओ, और मिलकर चर्चा करते हैं। और इस मूव का क्या बेनिफिट रहेगा एक बार उसको भी चर्चा कर लेते हैं। दुनिया ने किस तरह से कवर किया है, इसको कवर किया है तो ये देख लेते हैं। अल जजीरा का कहना है कि ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज। द हिंदू का कहना है ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप, वही चीज़ हमारी यहाँ पर रिपीट कर दी है। इसके अलावा ईरान वॉन्ट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स, इट्स एंट्री वुड रिलाय द US, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। राउटर्स ने भी इसी तरह की न्यूज को हमारा कवर अप किया है कि ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन चाइना एंड रशिया इन द ब्रिक्स क्लब। तो नाम तो याद रखिएगा फैक्चुअल बेसिस पर, कि ईरान और अर्जेंटीना दो वो देश है जिन्होंने अप्लाई किया है। एक हमारा जो है अर्जेंटीना, सदर्न अमेरिका का देश है, और एक ईरान है हमारा। तो दोनों अपने आप में क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो ब्रिक्स है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज बताओ सभी कमेंट सेक्शन के अंदर, ये जो शब्द है ब्रिक्स, ये शब्द, ये अवधारणा देने वाला व्यक्ति कौन था? कि ब्रिक्स नाम की जो अवधारणा थी है ना, इसकी अवधारणा देने वाला व्यक्ति था कौन? तब तक हम आगे बात करें कि ब्रिक्स है क्या। देखो हुआ क्या कि 2006 में, कब, 2006 में, 2006 में यूएनजीए की एक मीटिंग होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर कुछ देश मिलकर के क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कौन से देश? चार कंट्री हमारी मिलकर के चर्चा करती है। कौन कौन सी? तो ये चार चार कंट्री हमारी, भारत, रसिया, चीन और हमारा चाइना, ये मिलकर के कहते हैं कि काम करते हैं, आइए हम जो है क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। भारत की तरफ से उसके अंदर हमारे प्रणब मुखर्जी गए थे, है ना, उन्होंने वहां पर फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुआ करती थी, और यहाँ पर एक बातचीत की गई थी भविष्य के अंदर हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए जरूरी रहे। 2006 की इस यूएनजीए की मीटिंग के अंदर यहाँ पर ये चर्चा हुई, इसको इम्प्लीमेंट होते होते 2009 हो गया। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, वो हमारा ब्रिक कहलाया, क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका यहाँ पर शामिल नहीं था। तो हमारे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये यहाँ पर हमारे शामिल किए गए, और ब्रिक है ना नाम रखा गया उस समय। और पहला जो समिट है हमारा वो ब्रिक के नाम से हमारा 2009 में यहाँ पर आयोजित किया गया, रसिया के अंदर आयोजित किया गया। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है एक एक चीज आपको क्लियर होगी। उसके बाद क्या हुआ कि 2010 के अंदर जब मीटिंग हुई, यानी कि अगला साल का जो सेकंड सेशन हुआ हमारा है ना, उसके अंदर साउथ अफ्रीका को भी आमंत्रित किया गया कि भैया आप भी आइए, क्या करिए, आमंत्रित किया गया था। साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया था कि आप आइए। और उसके बाद में जो तीसरा समिट हुआ हमारा, यानी कि 2011 हुआ, उस 2011 के अंदर ये जो पूरी संस्था थी वो ब्रिक्स के नाम से जानी गई, क्योंकि यहाँ पर 2011 के अंदर हमने क्या कर दिया, हमारा साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया। और ब्रिक्स ये 2011 से कहला रहा है, जबकि 2009 में जब ये बना था तो सिर्फ ब्रिक कहलाया करता था, ओरिजिनल नाम इसका ब्रिक था, क्योंकि तो साउथ अफ्रीका उसमें शामिल नहीं था। अब इस तरह से जो ये हमारा पार्ट बना, आज की स्थिति अगर हम बात करें इन पांच देशों को लेकर के, तो ब्रिक की स्थिति कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारा दुनिया का लगभग लगभग 3 बिलियन, लगभग आधा जो है पॉपुलेशन इन हमारे पांच देशों के पास है।
क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग लगभग 40% एरिया इनके पास है, और जीडीपी की बात करें तो हाँ 16-17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की जीडीपी इन्हीं हमारी कंट्रीज के पास में हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक सीधा सवाल बनता है कि क्या सर ये G7 का काउंटर बन रहा है? एक बार कंपेयर करके देख लो, आपको भी आइडिया हो जाएगा। अगर जीडीपी की बेसिस से बात करें तो जीडीपी की बेसिस पे तो शायद हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पर इनकी हमारी जो जीडीपी है वो G7 जो है हमारा उससे थोड़ी कम है, लगभग आधी आधी है। लेकिन पैसा हमेशा राज नहीं करता, दुनिया ने हमेशा ये देखा है कि पैसा राज नहीं करता, पैसे से कभी राज नहीं होता, कि भाई जिसके पास पैसा है वही राज करता रहे, पॉसिबल नहीं है, हालात बदल रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें पॉपुलेशन शेयर की तो देखो G7 जो है सिर्फ दुनिया की 17% के आसपास की पॉपुलेशन को जो है हमारा क्या करता है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये 2017 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास है वो लगभग लगभग 42 जो है इसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज बता रहा है, ये 41 बता रहा है, जैसा भी हमको पास हमारे पास सोर्स अवेलेबल रहा उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो 41% जनसंख्या हमारा जो है ब्रिक्स के 5 देश जो है, 41-42% यानी कि लगभग आधी के आसपास की पॉपुलेशन जो है हमारा ये ब्रिक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी के अंदर ईरान और हमारा अर्जेंटीना में मिल जाए तो स्थिति और बड़ी हो जाएगी। तो सोच के देखो जहाँ पर दुनिया के ज़्यादा लोग हैं, जो तो दुनिया के बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बात उनकी सुनी जाए या जो सिर्फ 17% के आसपास करते हैं उनकी सुनी जाए? लगता है तो सर जो दुनिया के ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेगा तो वो उन्हीं के बारे में सोचेगा, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि तो G7 तो वही अमीरों का देश है और पैसे से तो राज हो नहीं सकता। हाँ ठीक है आप थोड़े मजबूत हो जीडीपी के मामले में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास पैसा है इसीलिए आप राज करोगे। हाँ हम एरिया भी काफ़ी अच्छा जो है कवर अप करते हैं, सिर्फ जीडीपी के अंदर थोड़ा धीरे पीछे है, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उभरते हुए बाजार है, तो फायदा तो मिलना ही मिलना है। और दूसरा यहाँ पर होगा क्या कि ये जो एंटी अमेरिका जो ग्रुपिंग है, क्योंकि तो अब रशिया भी उसके खिलाफ, हाँ इंडिया ऑलमोस्ट खिलाफ तो नहीं है लेकिन रशिया का समर्थन कर रहा है, चाइना भी उसके खिलाफ, ईरान और यूएसए के बीच के हालात तो और गड़बड़ है ही है। हमारे अभी थोड़े टाइम पहले यूके और अर्जेंटीना के बीच में एक जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर के विवाद हो गया, यूके G7 में और अर्जेंटीना इसमें जाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब स्थितियां हैं गड़बड़ गड़बड़। ओवरऑल देखा जाए अगर हम यहाँ बात करें तो सिर्फ लाइन में हमारा ईरान और अर्जेंटीना नहीं है, इसके अलावा बांग्लादेश भी कह चुका है कि हमें भी ये क्या करो शामिल कर लो, इसके अलावा इंडोनेशिया मैक्सिको तुर्की ये भी कह चुके हैं कि हमें क्या कर दो फुल मेंबरशिप दे दो। हाँ सोच के देखो बांग्लादेश जस्ट पड़ोस में, इंडोनेशिया एशिया के पार्ट, मैक्सिको तक जा सकते, तुर्की, ये सब कंट्रीज इसमें शामिल होगी तो ये ग्रुप बड़ा होगा ना, ये सब कंट्रीज अगर इसमें शामिल की जाएगी, एक मिनट नाम दिखा देते हैं आप ताकि लिख सके, आई थिंक सो अब विजिबल होगा, ये सभी कंट्रीज इसमें शामिल होना चाहती हैं। वर्तमान में तो केवल अर्जेंटीना और ईरान ने जो है अपना जो है एक आवेदन किया है कि हमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन लाइन में भी बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, और स्थिति तो और भी खतरनाक है, इजिप्ट, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया और पाकिस्तान तक ने ये कहा है कि हमको क्या कर लो ब्रिक्स में शामिल कर लो भाई। हालांकि पाकिस्तान शामिल होगा नहीं, पाकिस्तान को चाइना पिछले साल भी शामिल करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर कोई देश कैसे जुड़ता है, तो सर्वसम्मति से जुड़ता है इन 5 देशों की, जो 5 देश है हमारे परमानेंटली इनकी सर्वसम्मति से जुड़ता है, यानी कि सबकी हाँ होना जरूरी है। अगर वो कहते हैं हाँ हमें मंजूर है तो हम इसको शामिल कर सकते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं हुआ होगा, एक ही रीजन है, जब चाइना ने इसको शामिल करने की कोशिश करी तो एक ही देश ने इसको क्या किया था, विरोध किया था, और वो कौन है कोई बता सकता है? कोई भी साथी? बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर दिमाग में आपके नाम आ रहा है तो इंडिया, कौन है? इंडिया।
हाँ इंडिया ने उसका विरोध किया था, तो पाकिस्तान तो चलो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान के अंदर हो सकता है थोड़े टाइम पर आप पढ़ लो कि अगला समिट हुआ और अर्जेंटीना और ईरान दोनों को हमारा शामिल किया गया। और जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपका आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जिम ओ नील, जिम ओ नील ये वो पहला व्यक्ति था जिसने ब्रिक्स देशों की अवधारणा दी थी, याद आया होगा उम्मीद है आप सभी साथियों को। हाँ हमारा जिम ओ नील वो पहला व्यक्ति था जिसने ब्रिक्स देशों की अवधारणा दी थी, कहा था कि ये जो हमारे देश हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आने वाले टाइम पीरियड में वर्ल्ड को जो है लीड करने वाले हैं अगर ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो। ये वो व्यक्ति, और ये सवाल कई बार पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सही बात कहा विजय, पाकिस्तान अभी इमर्जिंग कंट्री नहीं है, हालांकि हम इतने सारों को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आप देख पाएंगे कि सूडान हो गया है ना, सूडान हो गया, सीरिया हो गया है ना, नाइजीरिया हो गया, यहाँ पर तुर्की हो गया, इन इन सबको शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि कारण एक ये भी है कि इन सभी देशों की अपनी अपनी समस्याएं भी है ना। G7 कंट्रीज के अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर ब्रिक्स में इतने सब सबको शामिल कर लेंगे, इनकी सबकी अपनी अपनी समस्या है, तो सोच के देखो कि जहां पर ये पहले 5 देश एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, उनको इन सबको देना पड़ेगा, सूडान को भी, सीरिया को भी, नाइजीरिया को भी, तो उल्टा उनके लिए खर्च बढ़ने वाला है और ये उनके लिए अच्छा नहीं, उल्टा उनको कमजोर करने का काम करेगा। तो लगता नहीं है कि सभी को शामिल किया जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कौन है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है ना। घाटा हो जाएगा अगर सबको शामिल कर लिया, जिसने भी मांगा कि आ जाओ भैया भीड़ इकट्ठी करते हैं, हाँ उससे थोड़ा फायदा होगा नहीं, इसीलिए मुश्किल है कि इनकी जो है हमारी इनको शामिल किया जाए, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। चले आगे नेक्स्ट, उम्मीद है ये पार्ट तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एक एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ो। उससे पहले आपको बता दूँ 3 तारीख को ठीक 10 बजे, 3 जुलाई को 10 बजे आपका UPSC का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। क्या होगा? हमारा स्कॉलरशिप एक टेस्ट होगा जिसमें आप सभी को 90% तक का क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप पाने का मौका मिलेगा हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न से ही है, बिल्कुल सिलेबस से ही है, बिल्कुल है ना। और साथ ही साथ में इससे बेनिफिट आपको सिर्फ 90% स्कॉलरशिप का नहीं होगा, आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमको और कितनी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ में ये बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, 90% हमारा स्कॉलरशिप का, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट होगा, इसकी कोई चार्जेस नहीं, कि भैया टेस्ट देना है तो चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस चैट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जो लिंक है या फिर ऐप पर जो लिंक है वहाँ जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना है, और 2 घंटे का जो टेस्ट होगा 10 से लेकर के 12 बजे तक का 3 जुलाई को, इसको ज्वाइन करना है। ये चीज़ आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे साथी जो है इसमें जुड़ेंगे तो उन्हीं का क्या होगा, एक तरह का रिविजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में हो सकता है बहुत अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं तो 90% तक की स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे और शेयर जरूर करिएगा सेशन को। अगली न्यूज़ है सॉल्ट सेक्टर क्राइसिस, नमक क्षेत्र का संकट, द हिंदू ने इसको कवर अप किया है। क्राइसिस इन द सॉल्ट सेक्टर हिट 5 लाख पीपल इन द गुजरात। हाँ सर, क्राइसिस मतलब क्या, नमक की कमी होने वाली है, अभी जाते हैं नमक फटाफट खरीद के ले आते हैं। नहीं, मत जाना, ऐसा कुछ नहीं है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग न्यूज़ को थोड़ा अलग तरीके से समझ लेते हैं। आज से कई साल पहले हो चुका है, एक बार खबर आई थी उड़ते उड़ते राजस्थान के अंदर कि भैया नमक जो है बाजार के अंदर कम होने वाला है, तब फिर लोगों ने देखो क्या उत्पात मचाया था, 10 रुपये का नमक 20 में, 20 का 40 में, 100 का 200 में, खूब रातों रात जो है नमक खाली हो गया था मार्केट से। वही वाली स्थिति हो गई, विंडफॉल गेन वाली, कौन सी स्थिति हो गई हमारी, विंडफॉल गेन वाली स्थिति हो गई थी हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा नमक क्षेत्र के अंदर जो क्राइसिस है उसके कारण अलग है, नमक की कमी नहीं होगी। क्या है ये कारण और क्या है ये न्यूज़, एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमक उद्योग जो है मांगे बढ़ रही है, यहाँ पर कह रखा है कि
नमक क्षेत्र के अंदर एक क्राइसिस आने वाला है और उसकी वजह से गुजरात के अंदर 5 लाख के आसपास के जो हमारे वर्कर्स हैं नमक उद्योग के अंदर वो मुश्किल फेस करेंगे। ठीक है सर जी, मुश्किल फेस करेंगे वो तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है क्या, किस तरह से, और नमक जो है उसका उत्पादन होता कैसे? तो देखो क्राइसिस कुछ इस तरह से है कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आप हमें लेबर के रूप में मत ट्रीट करो, आप हमें फार्मर के रूप में ट्रीट करो। वर्तमान स्थिति के अंदर जो नमक निकाला जा रहा है भारत के अंदर वो कॉर्पोरेट्स के द्वारा निकाला जा रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो नमक निकाल रही है उसमें वो करती क्या है, जो माइग्रेंट लेबर होती है उसको यहाँ पर बुलाकर लेकर आती है कि यहाँ पर आप क्या किया जाए, यहाँ पर हमारा नमक निकाला जाए। अब सर दिमाग में आपके सवाल होगा कि सर नमक निकलता कैसे है। देखो नमक निकालने के 3 मोटे मोटे तरीके हैं। पहला तरीका इवेपोरेटेड साल्ट प्रोडक्शन, आसान भाषा में बताओ सर, खारा पानी लिया, खारे पानी को ले जा करके आसपास की जमीन में खेतों में ले जा करके छोड़ दिया और सूरज की गर्मी में से वो इवेपोरेट होने लगा। जब पानी सारा उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो जो बचा वो नमक था। वो रेत के ऊपर जो परत जमी रही है नमक की, उसको फिर हमने ला करके हमारे क्या कर दिया, मशीनरी से रिफाइन कर दिया, रेत अलग कर दी, नमक अलग कर दिया, ले जाके बेच दिया। इसको क्या नाम दिया, इवेपोरेटेड सॉल्ट प्रोडक्शन नाम दिया। क्लियर? अब आगे एक तरीका होता है रॉक सॉल्ट माइनिंग, नमक की हमारे जो है माइनिंग की जाती है, खदान वगैरह भी होती है कि भैया लेयर्स हैं यहाँ पर, ये पूरा पहाड़ है इसके अंदर नमक की मात्रा है, एक काम करो आप यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करो, तो तोड़ेंगे फिर रिफाइन करेंगे और उसके बाद में जो नमक आएगा वो बेच देंगे। रॉक सॉल्ट माइनिंग हमारे यहाँ पर बात की गई। एक तरीका और होता है वो होता है मशीन्स के अंदर, एक पूरा तरह से मशीन्स के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर क्या कहते हैं एवेपोरेशन के माध्यम से और वैक्यूम के माध्यम से हम यहाँ पर नमक निकालते हैं। पूरा समझने की आपको जरूरत नहीं है, 3 तरीके इतना पता होना चाहिए। पूरा मशीनरी के माध्यम से इस कंटेनर के अंदर ही नमक बनाया जाएगा। ये ठीक है सर, नमक की एक बार स्थिति देख लेते हैं दुनिया के अंदर। तो भारत जो है नमक की प्रोडक्शन के अंदर तीसरे स्थान पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा। नमक का उत्पादन के रूप में साल्ट प्रोड्यूसर के रूप में भारत जो है हमारा दुनिया में तीसरे स्थान पर है। डेटा थोड़ा पुराना है, 2017 का है, लेकिन वर्तमान में स्थिति यही है, भारत जो है हमारा तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है मतलब। अब ये दोनों आगे पीछे होते रहते हैं, ये दोनों आगे पीछे होते रहते हैं, कभी चाइना फर्स्ट आ जाता है, कभी अमेरिका फर्स्ट आ जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जैसे कि मैंने कंफर्म किया उसके अकॉर्डिंग चाइना ही हमारा जो है टॉप प्रोड्यूसर है वर्तमान के अंदर, लेटेस्ट भी हमारा 2021 के अंदर ही। कई सारे जो सोर्सेज हैं वो न जाने क्यों यूएसए को टॉप बता रहे हैं वर्तमान स्थिति के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट के सोर्सेज यही बताता है कि चाइना अभी टॉप पर है, तो आपको तो चाइना ही याद करना है, यूएसए याद नहीं करना है। तो भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नमक कहाँ निकलता है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में निकलता है, और न्यूज़ यहीं से आई है। न्यूज़ कहाँ से आई, यहीं से आई है। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो स्टेट है हमारा नमक के मामले में वो गुजरात है। क्यों, तट सीमा है या ओशन है पास में, खारा पानी, खारा पानी है, खूब सारा नमक बनता है। भावनगर हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, पोरबंदर हो गया, यहां से खूब सारा नमक बनता है। कितना खूब सारा, लगभग लगभग इंडिया का 3/4, 3/4, 75% से भी ज्यादा नमक सिर्फ गुजरात निकालता है, और वहीं पर यह समस्या है। तो सोचो अगर गुजरात अफेक्ट हुआ तो फिर तो नमक की सप्लाई गड़बड़ होगी। उसके बाद है तमिलनाडु, फिर है राजस्थान, फिर है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, ये अलग अलग हमारे क्या करते हैं, नमक का प्रोडक्शन करते हैं। तो चलो ये तो हो गया। तो क्या सर चाइना और यूएसए नमक में टॉप पर है, लेकिन हमने तो सुना है ये हमारे जैसे नमक वगैरह तो खाता नहीं है, ये तो कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं उबले हुए, तो नमक इनके काम कहाँ आता है, ये टॉप प्रोड्यूसर बन के क्या करते हैं, कि सर एक्सपोर्ट करते होंगे। हाँ एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन नमक सिर्फ खाने के काम नहीं आता है, इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है। नमक सिर्फ खाने के काम नहीं आता है, इंडस्ट्रियल यूज में भी नमक हमारा यूज आता है। हाँ आइस इंडस्ट्री में भी यूज आता है नमक, लेदर इंडस्ट्री में भी आता है, खाल को साफ करने के लिए,
लेदर जो बनता है जानवर की खाल से ही बनता है ना, उसके उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ये मल्टीपल यूज रखता है अपने, नमक सिर्फ खाने के काम नहीं आता। तो सर अब तो बता दो क्राइसिस क्यों है, वो क्या गया जिसकी वजह से ये क्राइसिस की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया हमको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। कि सर ये तो गड़बड़ बात है, ऐसे तो हर कोई मांगने लगेगा हमसे। पहले इनका पॉइंट सुन लो, इनका ये कहना है कि देखो हम जो अपनी नीड का नमक निकालते हैं उसमें जो माइनिंग की बात की जाए तो वो केवल केवल 5% के आसपास है। भारत में जो नमक निकाला जाता है माइनिंग के द्वारा, माइंस के थ्रू यानी मशीनरी के थ्रू, जिसमें इंसान का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो केवल 5% के आसपास है। हमारी नीड का लगभग लगभग 3/4 जो हिस्सा है वो एक तरह से इवेपोरेशन के माध्यम से होता है। इवेपोरेशन माध्यम मतलब पहले वो नमक का पानी लो समुद्र का, वो ला करके खुला छोड़ दो ज़मीन पर, वेट करो इवेपोरेशन होते होते फिर आएगा और फिर हम लोग उसमें नमक अलग करेंगे, रेत अलग करेंगे। कई ऊपर ये काम हाथों से किया जाता है और कई ऊपर मशीनरी लग रखी है। तो क्या एक तरह से हम भी तो किसान हुए, एक तरह से हम भी किसान हुए, नमक के किसान। हमको लेबर क्यों मान रहे हो? लेबर मानने से होता ये है कि किसानों को मिलने वाले लाभ हमको नहीं मिल पाते। नमक का हम जो प्रोडक्शन करते हैं भारत के अंदर और भारत की जो नीड है हमारी, ये जो 3/4 नीड हम जो है इसी तरह से पूरा करते हैं, तो इसको भी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानो, इसको आप जो है एक लेबर मत मानो। इससे होगा क्या कि किसानों को मिलने वाला लाभ, खास करके MSP वो मिलेगी। कि सर MSP मिलेगी का क्या सेंस? कि वर्तमान के अंदर जो हमारे जितने भी नमक का उद्योग चल रहा है वो सब कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा चल रहा है। तो कोई व्यक्ति जो है हमारा खुद के बेसिस पर इसका क्या नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता। जैसे कि खेती होती है तो कोई व्यक्ति खुद अपने खेत में कोई भी फसल उगा सकता है, वैसा नमक के केस में नहीं होता। हाँ वैसा नमक के केस में बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जब नमक के केस में ऐसा नहीं हो रहा है तो लोगों के पास आय का स्रोत नहीं बन पा रहा है। हमको भी मिले ऐसा कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि हम भी ये सोच सकें कि भैया हम अपने खेत के अंदर क्या करेंगे, नमक की खेती करेंगे, ताकि हमको भी कम से कम पैसा थोड़ा मिले। क्योंकि अभी तो लेबर के रूप में काम कर रहे हो तो खाली वेतन मिलता है। और दूसरी समस्या यहाँ पर यह कही गई इनके द्वारा कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, वेजेस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट कंपनियाँ काम कर रही है। तो एक क्षेत्र के अंदर के जो लोग हैं वो नॉर्मली यहाँ पर नहीं लगाए जाते हैं। एक क्षेत्र के अंदर के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर नॉर्मली नहीं लगाए जाते हैं। कंपनियाँ क्या करती है, माइग्रेंट लेबर्स को लेकर आती है, दूर दराज से मजदूरों को लेकर आती है, वहाँ पर काम करवाती है, थोड़े दिन टाइम यहाँ रखती है और फिर हमारे जो है वो उनको छोड़ के दूसरे ले आती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ के जो मजदूर है ना, उनको रोजगार नहीं मिल पाता और उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। तो एटलीस्ट सरकार क्या करे, इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी घोषित करे ताकि हमको कुछ सपोर्ट मिले, है ना, किसानों को मिलने वाले लाभ भी हमको मिल जाए। और जो वर्तमान में हम क्राइसिस फील कर रहे हैं, उनका कहना है कि 5 लाख के आसपास के जो हमारे वर्कर्स हैं ये क्राइसिस फील कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि स्थिति ऐसी आए कि नमक की कमी हो जाए, है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, है ना। इस संबंध में यहाँ पर हमारा ये बात कही गई। सॉल्ट सेक्टर क्राइसिस फिलहाल तो कमी नहीं होने वाली है, लेकिन आहट हो रहा है कि भैया कुछ हो तो सकता है। उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर होगा, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर, आप आराम से बाद में जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अगली न्यूज़, इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी, छोटी सी न्यूज़ है। आपको याद ये रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही के अंदर क्या किया है, एक लोन दिया है ना, कितने का, 250 मिलियन डॉलर का। इसके ऊपर भारत के 7 राज्यों के अंदर इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी के अंतर्गत ऐसी रोड्स का निर्माण करना जिसके थ्रू एक्सीडेंट्स की जो संभावना है वो कम रहे, है ना, साथ ही साथ के अंदर दुर्घटना अगर हो जाए तो कितनी जल्दी उसको रिपोर्ट किया जा सके, ऐसी सुविधाएं उसी जगह पर उसी रोड पर डेवलप करना, ताकि रोड सेफ्टी से होने वाली जो डेथ्स है उसको कम किया जा सके। बस इतना सही है ये। 7 राज्य, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, 250 मिलियन डॉलर का लोन दिया भारत को दिया, इसके अंतर्गत इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी के लिए, ताकि क्या हो सके,
रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ हो जाती है उसको कम किया जा सके, बस इसी के लिए ये लॉन्च किया गया। सर कौन कौन से 7 राज्य ये भी तो बता दो हमको। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये हमारे यहाँ पर क्या किए गए, 7 राज्य शामिल किए गए। नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये टोटल 7 राज्यों में इसको लागू किया गया है। ये जो लोन दिया गया है ये 18 साल के लिए दिया गया है, उसके ऊपर हमारा 5.5 का ग्रेस पीरियड, यानी कि 5 साल एक्स्ट्रा अगर किसी तरह से आप 18 साल में चुकाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो लगभग लगभग हमारा हो गया 23.5 साल तक के लिए ओवरऑल लोन दिया गया है कुल क्षमता, कुल समय सीमा के लिए। और किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक की जो एक हमारी आम है, नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, किसी ने दिया है। तो हो सकता है पेपर में IBRD नाम आ जाए, हो सकता है पेपर के अंदर वर्ल्ड बैंक नाम आ जाए, दोनों की संभावना है। तो लेकिन दोनों ही हमारे क्या रहेंगे, सही रहेंगे दोनों, क्योंकि हमारा IBRD वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछ लो भैया। हाँ, ये छोटी सी न्यूज़ थी, ये हमको याद होनी चाहिए, फैक्चुअल न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम न्यूज़ में है। हाल ही के अंदर रूस ने, बेलारूस को ये कहा है कि वेस्ट से निपटने के लिए, यानी कि अमेरिका और बाकी के देशों से निपटने के लिए हम तुमको एक मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं। नाम क्या है इसका, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। तो पहले तो इस मिसाइल का संबंध किस देश से है, तो रूस से है। किसको दी जा रही है, बेलारूस को दी जा रही है ना, रूस का एलाय है वो। तो रूस जो है बेलारूस को ये मिसाइल दे रहा है हमारा इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। अब थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये हमारा मिसाइल है क्या। इसका जो कोड नेम है वो है SS-26 Storm। नाटो इसको किस नाम से जानता है, नाटो इसको SS-26 Storm के नाम से जानता है। ये जो हमारी मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज में भी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह कार्य करती है और ट्रांसपोर्टर के रूप में भी कार्य करती है। किसी को आप पीछा करते हुए भी ये हमारे क्या कर सकती है, हमारा टारगेट को हिट कर सकती है, यानी कि फायर एंड फॉरगेट के सिस्टम पर काम करती है। छोड़ो, टारगेट सेट करो, छोड़ो और भूल जाओ। और शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उस दोनों की सिस्टम के ऊपर काम करती है, कौन, हमारा ये इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम, जिसको नाटो SS-26 Storm के नाम से जानता है। आगे बात करें तो इसका एक वर्जन और आता है इस्कंदर E, इसका एक वर्जन और आता है इस्कंदर E, ये केवल एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जिस वर्जन को हम पढ़ रहे हैं इसको वर्तमान में रशियन मिलिट्री क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारा 700 केजी तक का कोई भी पेलोड ये ले जा सकती है और साथ ही साथ में 500 किलोमीटर तक का ये रेंज को हमारा टारगेट कर सकती है। अब वो हमारे 700 किलोग्राम का जो पेलोड है उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर हथियार भी हो सकता है ये लेकर जा सकती है, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल हमारी ये मिसाइल सिस्टम है। नाम है इस्कंदर M, लेकिन अगर इस्कंदर E बोल दिया जाए तो वो इसका एक्सपोर्ट वर्जन है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करने का काम करती है। लेकिन M पहली बार वो क्या कर रही है, किसी देश को दे रही है, रसिया, किसको, बेलारूस को दिया जा रहा है। क्या सर इसका कभी इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इसका इस्तेमाल रसिया ने सबसे पहले जॉर्जिया के संकट पर किया था 2008 में, जब जॉर्जिया पर अटैक किया था रसिया ने, तो 2008 में इस्कंदर मिसाइल को जो है यूज़ किया था। 2006 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी इस्कंदर सिस्टम की। इससे पहले हमारा ओका नाम का एक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर रन किया करता था, लेकिन ओका को ख़त्म करके उसके बाद में हमारा ये इस्कंदर मिसाइल सिस्टम रसिया 2006 में लेकर आया और पहली बार इसको जो है 2008 में इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे फैक्ट्स है, यहाँ पर चर्चा के लिए कोई कहानियाँ या फिर कारण नहीं है, है ना, बस छोटे छोटे फैक्ट्स है जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपका कोई पार्ट आपका मिस ना हो जाए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट का पार्ट है। अगली न्यूज़ की तरफ चले, ये भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, छोटी सी न्यूज़ है। एक हनी टेस्टिंग लैब बनाई गई है नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर क्या बनाई गई है, हनी जो प्रोड्यूसर है, बी कीपर्स जो है, मधुमक्खी पालक जो है, उनके लिए हनी टेस्टिंग लैब बनाई गई है कि भाई मधुपरी हमारी जो मधुमक्खी है यानी बी कीपर्स है, ये मधुमक्खी पालक आकर के अपने हनी को टेस्टिंग करवा सकते हैं कि उनकी जो हनी है वो कितनी प्योर है, ताकि उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिल सके, उनकी जो है प्राइज मिल सके। तो इसके लिए ही हमारा क्या किया गया, नागालैंड के अंदर एक हनी टेस्टिंग लैब बनाई गई है। बस नाम याद रखिएगा, कहाँ पर बनाई गई है, नागालैंड में बनाई गई है। छोटी सी न्यूज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर।
एक और छोटी न्यूज हमारे सामने आती है, फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति पासेस अवे, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। इनको ये उपाधि दी जाती है क्यों? क्योंकि भारत के बड़े बड़े जो पीएसयूज थे, चाहे जैसे कि हमारा भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, मारुति उद्योग जो हो गया, इन सब क्षेत्रों के अंदर ये हमारे काम कर चुके हैं। भारत सरकार के साथ भी काम किया है, प्लानिंग कमीशन के अंदर काम किया है, भारत सरकार के जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। तो हर तरह से हमारा जो भारत सरकार के जो पीएसयूज हैं उनको डेवलप करने का इन्होंने काम किया है। तो इनको एक उपाधि दे दी गया, एक स्टेटस दे दिया गया, फादर ऑफ द इंडियन पीएसयूज, है ना, फादर ऑफ द इंडियन पीएसयूज, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, कि भाई इन्होंने ही इसको क्या है बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और आज की वर्तमान की स्थिति में जो ये है हमारे सारे के सारे संस्थान, इनमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का है ना। इसीलिए इनका जब निधन हुआ तो एक फैक्ट बन के सामने हमारा सामने आ जाता है कि फादर ऑफ द इंडियन पीएसयूज किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को कहा जाता है। इसके अलावा इनको अपने योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी कि तीनों ही पद्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये तथ्य याद रखिएगा, एक बार सवाल ये पूछा गया था परीक्षा के अंदर, कथन की फॉर्म के अंदर, एक प्रश्न के संबंध में, है ना। और इसी तरह से इन नाम लिख दिए गए थे कि तीनों ही हमारे पद्म अवार्ड्स दिए गए। तो उसमें जो सवाल था उस समय तो ये गलत हुआ करता था, क्योंकि जो ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को तीनों अवार्ड नहीं दिए गए थे, लेकिन इनको ये तीनों पद्म पुरस्कार हमारे दिए जा चुके हैं। तो ऐसे भी कथन बन के आ सकता है अगर उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछना हो। बाकी इनका जन्म वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये तथ्य याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन पीएसयू कहा जाता है। अगली न्यूज, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक्चुअल न्यूज है, जोमेटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। जोमेटो जो कि एक हमारा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, हमने कई बार मंगवाया भी होगा, उसने ग्रोफर्स नाम से जो पहले जानी जाती थी कंपनी, जिसका वर्तमान में नाम ब्लिंकिट है, ई कॉमर्स की एक कंपनी है, पहले सिर्फ और सिर्फ सब्जियां जो है बेचा करती थी ग्रोफर्स हमारी, और वर्तमान में ये और भी कई सेगमेंट्स में है, इसी का एक्विजिशन कर लिया है ना। पहले लास्ट ईयर जोमेटो ने इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया था ग्रोफर्स में, है ना, तब उसने 50 मिलियन डॉलर दे करके 9% का स्टेक खरीदा था, है ना, जोमेटो ने किसमें? ब्लिंकिट के अंदर, यानी कि ग्रोफर्स के अंदर। लेकिन अब वर्तमान में 100% इसने खरीद लिया है, कितने में? 4,447 करोड़ में। कितने? 4,447 करोड़ में जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया है। सवाल बिल्कुल सिंपल बनेगा, हाल ही के अंदर ब्लिंकिट का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया? बस अब मैंने ये न्यूज़ क्यों ली इतनी सी, क्योंकि लास्ट ईयर पीसीएस में ये सवाल पूछ लिया गया था इस तरह का, क्योंकि कई सारे मर्जर्स हुए थे। फ्यूचर ग्रुप को जो है हमारी जो डील हुई थी रिलायंस के साथ में, और अमेजन को लेकर के विवाद हो गया था, तो उसका छोटा सा न्यूज़ आपको जो है पूछ लिया गया था, है ना, तो भाई ये फ्यूचर ग्रुप का जो है अधिग्रहण किसने किया था। तो इसी वजह से ये न्यूज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है एक फैक्ट के रूप में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो उम्मीद है ये भाग आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा, एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो अब बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर की, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को भी कि भैया क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के अंदर इससे संबंध में बन सकती है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ जरूरी है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए भाई एक बार देख लेते हैं फटाफट से। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को 107 बिलियन डॉलर का कर्ज 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान का 107 मिलियन डॉलर का कर्ज 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, यूएसए, फ्रांस, चीन या रूस? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर हमारा बी, फ्रांस ने जो है अभी क्या कर दिया है हमारा ये निलंबन कर दिया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स? कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने ये चीज की है? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, ईरान। ईरान ने जो है हाल ही के अंदर ये हमारी ये चीज की है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। नमक उत्पादन में भारत का स्थान है, नमक उत्पादन में हमारा भारत का स्थान है, पाकिस्तान उसका आंसर नहीं रहेगा। पाकिस्तान चाहता था कि उसको शामिल किया जाए, आवेदन नहीं किया था उसने, चाहता था ना, ईरान ने आवेदन किया था। बिल्कुल सही, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा,
बिल्कुल करेक्ट है, भारत जो है तीसरे प्लेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, पहले पे चाइना है ना हमारा, और दूसरे के ऊपर हमको कौन देखने को मिलता है, दूसरे के ऊपर हमको यूएसए देखने को मिलता है, और वर्तमान स्थिति के अंदर तीसरे स्थान पर भारत एग्जिस्ट करता है, और भारत में गुजरात सबसे टॉप पर है, तीन चौथाई हमारी जो है क्या करता है यहाँ पर नीड को पूरा करता है। अगला नेक्स्ट, इस्कंदर एम मिसाइल हाल ही में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? इस्कंदर एम मिसाइल वाज इन द न्यूज रिसेंटली, विच कंट्री इज इट रिलेटेड टू? रसिया, ईरान, इजराइल या यूएसए? बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, रसिया से इसका संबंध है। किससे इसका संबंध है हमारा? इसका संबंध हमारा रसिया से है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने, तो दैट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। इस क्लास की जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब पर ही आपको ऊपर जो लिंक दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दर्ज दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करके जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है और क्लास के नोट्स है, पीडीएफ वगैरह है, वो आप पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ आप जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप में से कोई भी साथी जो फ्री सीरीज़ के अंदर हमारा पढ़ रहा है, ऑलरेडी एक एक चीज़ को गौरव कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से उसी बेसिस के ऊपर हमारा यहाँ पर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में और बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी हमारे जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूँ, अगर आप सोच भी रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ हमको जुड़ना चाहिए, तो 3 तारीख को, 3 जुलाई को 10 बजे होने वाले हमारे यूपीपीएससी के स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। इसके तहत आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको अपनी प्रैक्टिस देखनी है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है ये सब देखना है, हम इस कंपटीशन की भीड़ में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये देखना है। आप में से जो साथी हमारा यहाँ पार्टिसिपेट करेगा उन सभी को 90% तक की स्कॉलरशिप पाने का मौका रहेगा। बस करना ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट का ये जो हमारा टेस्ट है, इसके अंदर आपको अभी अपने आप को रजिस्टर करना है, लिंक आपको ऊपर चैट सेक्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ क्लिक करके आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के कोई चार्जेस नहीं है, आपको बस टेस्ट देना है, तो जुड़िएगा ज़रूर 3 जुलाई को ठीक 10 बजे। मिलेंगे अब हम लोग कल सेम टाइम पीरियड के अंदर, चर्चा करेंगे इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।